सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। जैसे तैसे लोगों ने कोरोना से कुछ हद तक राहत ली थी, लेकिन अब डेंगू जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रहा है छोटे बच्चों पर, युवाओं में और बड़े बुजुर्गों पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। लोग लगातार अस्पतालों के चक्कर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे कि इससे निपटने के क्या उपाय हैं, कैसे सावधानियां बरती जा सकती हैं, क्या कुछ किया जा सकता है। इस दौरान मैं बात करूंगा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में पदस्थ डॉक्टर मनीष जैन सर से, जो कि सह प्राध्यापक हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में। सर, बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। थैंक यू सर। आपसे जानना चाहेंगे डेंगू जो है क्या है, होता कैसे है ये? बेसिक डेंगू एक, जैसे अपन ने कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में इतना सुना है, डेंगू भी एक वायरस वाली बीमारी, वायरल डिसीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। कोरोना तो अभी आए, डेंगू तो पहले से होता रहा है। डेंगू के मामले में पहले भी आते रहे हैं, लोग थोड़े बहुत अवेयर हैं इस डेंगू के मामले में। कोविड और इस डेंगू में अगर अंतर देखा जाए कि फैलने को लेकर अगर बात करी जाए या फैलने को लेकर बताया जाए, तो जो डेंगू है वो मच्छरों से फैलता है। एक एडीज करके जो मच्छर होता है उसके दिन में काटने के कारण से फैलता है। बाकी जो मलेरिया से इसमें डिफरेंस है कि मलेरिया से जो एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता था और उसकी जो बाइटिंग हैबिट्स है वो नाइट में होती थी, और जो एडीज का जो मच्छर, जो डेंगू का मच्छर होता है एडीज, इसकी दो अलग खासियत होती है। एक तो ये दिन में काटता है, दूसरा ये जो साफ़ सुथरी जगह है, साफ़ सुथरी प्लेस है, जैसे अपने घर में मान लो टंकियाँ हैं, कहीं पर पानी भरा हुआ है, साफ़ पानी भरा हुआ है, तो उनमें ये पनपता है और इसकी बाइटिंग के कारण से, इसके काटने के कारण से ये डेंगू फैलता है। अगर है टोटली ये वायरल डिसीज़ है, वायरल मतलब वायरस ही है डेंगू, एक वायरस है, उसके चार टाइप रहते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, मतलब हर ईयर इसके ऑलमोस्ट केस आते हैं। लास्ट ईयर से इस बार इसके केसेस के इंसिडेंस ज़्यादा रहे, केसेस साल ज़्यादा आए हैं। और ये जो बीमारी है मुख्यतः जो शुरू होती है जून जुलाई से शुरू होती है और नवंबर तक चलती है। मेनली इसमें ऐसा देखा जाता है कि जो जब मच्छर के जो ज़्यादा बढ़ने के जो संभावित समय होता है, बरसात वाला जो एरिया रहता है या जो थोड़ा सा ठंड जब तक शुरू नहीं होती है, तो मेनली ऐसा देखा जाता है कि इसका जो टाइम जो शुरू होता है जून जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक ज़्यादातर रहती है बीमारी। सर, बेसिक रूप से अगर कहा जाए तो इसमें डेंगू जब होता है या प्रोसेस ये शुरू होती है बीमारी, तो लक्षण क्या होते हैं इसमें? डेंगू के लक्षण सबसे पहले देखा जाए तो ये टोटल वायरल बीमारी, जैसे वायरल फीवर के जो लक्षण होते हैं वो इसमें रहता है। जैसे अपन को वायरल बीमारियों में अपन को पता है कि एक सर्दी खांसी पता है, आज के समय में अपन को कोविड के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन इसका बाकी जैसे बीमारी लक्षण वही रहेंगे कि बुखार आएगा, हाथ पैर दर्द होंगे, सिर दर्द होगा। इसमें जो अलग से जो चीज़ें चेंजेस आती हैं, जैसे अपन कोविड में जो देखते थे कि उसमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, निमोनिया आता था, इसमें कोविड से जो डिफरेंट जो चीज़ें, फीवर तो सब में रहेगा, ठंड लग के बुखार आएगा, जैसे पहले मलेरिया में बुखार आता था वैसे बुखार आएगा, बहुत ठंड लगेगी, बुखार आएगा, कंटिन्यूस बुखार रहेगा। और इसमें जो बाकी वायरल डिसीज से जो अलग चेंजेस हैं या जो बाकी अलग इसमें परिवर्तन हैं वो तीन हैं। एक सबसे फर्स्ट, इसमें सिर दर्द बहुत रहेगा, हेडेक की कंप्लेन उसकी बहुत प्रीडोमिनेंटली रहेगी, वो सिर दर्द काफ़ी ज़्यादा बताएगा। दूसरा, इसमें एक पर्टिकुलर ऐसे रैसेस आते हैं, मतलब दाने दाने आएंगे, ऐसे पिन पॉइंट रेड रेड कलर के दाने होंगे जिसमें बॉडी में ईचिंग होगी। तीसरा, इसमें एक और जो अलग से पार्ट है वो होता है पेट दर्द। जैसे ही डेंगू किसी लोगों को होता है तो पेट में दो तीन तरीके के चेंजेस आते हैं। एक उसका जो गॉल ब्लैडर होता है, जो पित्त की थैली होती है, उसमें सूजन आ जाती है, पेट में हल्का हल्का पानी आने लगता है डेंगू के बुखार में, तो पेट दर्द की समस्या वो ज़्यादा बताएगा। तो अगर वायरल डिसीज, बाकी वायरल डिसीज जैसे जिनमें कोरोना भी है उससे अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो मेनली इसमें डिफरेंस कि हेडेक बहुत बुखार के साथ अगर सिर दर्द है और पेट दर्द है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि अपन को एक डेंगू की संभावना हो सकती है और अपन को एक डेंगू वगैरह की जाँच कराना चाहिए। ये उसके ज़्यादा प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स रहेंगे। सर, कई बार होता ये है कि जैसे कोई बच्चा है या कोई युवा है तो उसमें शुरुआती जो लक्षण होते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं, तो कई बार परेशानी तब हो जाती है, बढ़ जाती है जब वो डॉक्टर के पास देरी से पहुंचते हैं, तो फिर कई सारी समस्याएं जाती हैं। तो सर, इस दौरान कैसे वो जाँचें, कैसे परखें, और अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो जांच वगैरह वो कैसे करवाएं? जैसे मैंने जो सिम्टम्स बताए कि अगर कोई सिर दर्द के साथ, बुखार के साथ सिर दर्द, पेट दर्द है, तो डेफिनेटली तुरंत जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास, जो भी वहाँ पर डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए। जाँचों में इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो अवेलेबल हैं, एक CBC कराना पड़ता है, कम्प्लीट ब्लड काउंट,
आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, प्लेटलेट को लेके अवेयर हैं कि प्लेटलेट इसमें कम होती हैं, प्लेटलेट के अकॉर्डिंग लोगों को लगता है कि डेंगू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटलेट से डेंगू आइडेंटिफाई हो सके, कि जिसकी प्लेटलेट कम है उसी को डेंगू है, नॉर्मल प्लेटलेट में भी डेंगू हो सकता है और बाकी और डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशन उन लोगों में भी हो सकते हैं। डेंगू के एक कॉम्प्लिकेशन में एक पार्ट प्लेटलेट कम होना है, लेकिन अदर भी उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती हैं। इसके लिए जो सबसे प्रायर टेस्ट है वो तो CBC कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है। उसके बाद जो इसमें अवेलेबल टेस्ट हैं कि किट के द्वारा इसमें NS1 मतलब इसके एंटीजन की जाँच करते हैं, NS1 अगर NS1 किसी का पॉजिटिव आ रहा है, किट से कर सकते हैं, एलाइजा से कर सकते हैं, RT-PCR से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अवेलेबल हैं अपने इसमें लैब वगैरह में वो किट ही अवेलेबल हैं। लेकिन रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो RT-PCR सबसे ज़्यादा रिलायबल है, देन एलाइजा रिलायबल है। गवर्नमेंट सेटअप में अपन इसको एलाइजा से कंफर्म करके वो जो एलाइजा कंफर्म केस हैं उन्हीं को अपन गवर्नमेंट में काउंट करते हैं जो एलाइजा से कंफर्म आए। किट वगैरह की वैलिडिटी उतनी नहीं होती, तो एकदम से किट वगैरह को उतना अपन काउंट नहीं करते। उसमें किट से एक संभावित पता पड़ता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है करके, तो उसमें जो डेंगू के जो किट वाले टेस्ट होते हैं या एलाइजा टेस्ट होते हैं उसके तीन कंपोनेंट रहते हैं। एक तो NS1 मतलब उसको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, 7 दिन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। दूसरी उसमें एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, IgM एंटीबॉडी, एक IgG एंटीबॉडी। तो IgM का मतलब है कि उसको 8-10 दिन पहले इन्फेक्शन हुआ था, और IgG का मतलब होता है कि 2 महीने पहले उसको इन्फेक्शन हुआ। तो अगर NS1 पॉजिटिव आ रहा है तो इसका महत्व है कि ये डेंगू है, और अगर IgM IgG आ रहा है तो ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि वो रिकवर हो गया है, इन चीज़ों से वो निकल आया करके, और उसको उसके सिम्टम्स पहले रह चुके हैं, अभी कुछ नहीं है करके। सर, इस दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए लोगों को, और इलाज बेहतर तरीके से कैसे करें वो? देखो, सावधानियां तो सबसे पहले ही वही मच्छर, जो अपन ने जैसे बताया मच्छर जनित बीमारी है, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है, तो सबसे पहले तो जो अपनी आसपास की साफ़ सफाई है, साफ़ सुथरा जो एरिया हो सकता है, जो साफ़ सफाई हो सकती है, वो तो प्रिडोमिनेटली रखना है कि ये मच्छर ना पनप पाएँ। सिर्फ अपने घर की बात नहीं है, जो आसपास अपने जो सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर का लॉगेज है, पानी फ्रेश भरता है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। ट्रीटमेंट को लेके इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि ट्रीटमेंट के लिए जैसे लोग मैंने अभी बताया कि वो प्लेटलेट करते रहेंगे कि मेरे प्लेटलेट कम हो रहे हैं, प्लेटलेट कम हो रहे हैं, और काफ़ी हद तक पैनिक कंडीशन हो जाती है, और बहुत हद तक वो जैसे ही उसके प्लेटलेट कम होते हैं तो वो प्रेशर बनाते कि इसको प्लेटलेट चढ़वा लें या तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाए। एज सच इसमें देखा जाए तो एकदम से ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटलाइज सबको ही होना है। हॉस्पिटलाइजेशन होने की हार्डली 10% लोगों को जरूरत पड़ती है, जितने डेंगू पॉजिटिव होते हैं 90% लोगों को जरूरत भी नहीं है हॉस्पिटलाइज होने के लिए। सिर्फ उनके लिए मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है कि उनका फीवर, पेट दर्द, हेडेक, जो उनके सिम्टम्स थे वो सबसाइड हो रहे कि नहीं हो रहे। रही बात जो सबसे ज़्यादा जो लोगों के मिसकंसेप्शन है, लोगों की भ्रांतियाँ हैं, वो प्लेटलेट को लेके ही हैं इसमें, कि जैसे प्लेटलेट कम हुई तो वो चढ़ाना है। इसमें ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता है। मान लो किसी की 10,000 भी प्लेटलेट हैं तो प्लेटलेट चढ़ाने की एकदम से उसको ज़रूरत नहीं होती, तब तक कहीं से उसको ब्लीडिंग ना होने लगे, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन में उसको ब्लीड कहीं ना कहीं से जैसे नाक में से ब्लीडिंग होने लगे, लैटिंग के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगे, या कहीं भी कोई भी साइड से उसको ब्लीडिंग होने लगती हैं, खून के साथ खकार के साथ उल्टी आने लगे, खकार के साथ खून आने लगे, खून के साथ मतलब उल्टी के साथ खून आने लगे, अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको फिर प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं। प्लेटलेट चढ़ाने के भी 2 माध्यम होते हैं, एक तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होती है जो अपने सागर में भी अवेलेबल रहती है, उससे 2 से 8 हज़ार तक एक बार में प्लेटलेट बढ़ती है। बाकी SPD कहलाते हैं, सिंगल प्लेटलेट डोनर कहलाते हैं, उससे 60 से 70 हज़ार प्लेटलेट एक बार में बढ़ते हैं, तो वो बाहर अपने सागर में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। एफेरेसिस मशीन होती है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेजर जो है देखा जाए, अगर मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो लगभग 99% लोगों को इसमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 99% लोगों में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रेट भी नहीं होते। वो प्लेटलेट देख देख के लोग डर बहुत जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन से ही बचना चाहिए, क्योंकि ये टोटल जो डिसीज है ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की डिसीज बीमारी रहती है। 1 हफ्ते तक उसके बुखार रहेगा, 1 हफ्ते तक उसके प्लेटलेट कम होते हैं, बुखार जाने के बाद में इसके प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं, पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। सर, सबसे ज़रूरी बात ये है कि देखा जाता है लोगों में जैसे कोई बीमारी होती, जैसे अभी कोरोना काल जब चल रहा था और लोगों को कुछ सिम्टम्स होते थे तो घबरा जाते थे, डेंगू जब से आया है और पीक पे आया है, लोग बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आ जाती है कि डेंगू हो गया है, तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई चीज़ ना हो जाए, इसको लेकर क्या है सर, लोग घबराएं ना? देखो, डेंगू के अगर इंसिडेंस देखे जाए कि डेंगू में ऑलमोस्ट देखा जाए तो डेंगू में मॉर्टलिटी बहुत कम होती है। जैसे कोविड वगैरह से अपन निकले हैं, कोविड में 5% के अराउंड डेथ होती थी जितने लोगों को पॉजिटिव हैं,
डेंगू में वो लेस देन 1% है। तो अगर देखा जाए कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो डेंगू बीमारियाँ तो सब खराब होती, बीमारी कोई भी कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या उसके रिकॉर्ड देखे जाए तो डेंगू फिर भी सुरक्षित बीमारी है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो है जैसे पहले भी आपने जैसे जो अपनी बातों में बोला कि क्या सावधानियाँ हैं, तो सबसे पहले तो सावधानी ये है कि जो जिस कारण से वो हो रही है उन्हीं कारणों से बचाव किया जाए। और अगर फीवर, पेट दर्द, ये चीज़ें अगर परसिस्ट हैं या ये चीज़ें बची हुई हैं तो तुरंत जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को, पूरे गवर्नमेंट सेटअप में हर जगह पे इसकी जांच की फैसिलिटी उपलब्ध है, सब पूरे हॉस्पिटल गवर्नमेंट सेटअप में एडमिशन भी उपलब्ध है जहाँ पे अपन एडमिट हो सकते हैं, सब फैसिलिटी हैं। तो टाइमली जाके वहाँ पे अपन जो अगर पॉसिबल ट्रीटमेंट है या जो ट्रीटमेंट आपको नीडेड है वो करवाएंगे तो फिर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती है और डेथ रेशियो तो वैसे ही बहुत कम है और टाइमली इलाज लेने में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, कोई तरह खतरा नहीं बचता है। सर एक लास्ट सवाल, जैसे अभी देखा जा रहा है सागर में केसेस बढ़ रहे हैं लगातार, अभी आप क्या स्थिति देख रहे हैं डेंगू को लेकर सागर में? अगर जैसे देखा जाए तो अगर मैं दो महीने, एक महीने पहले की बात करूं या दीपावली के पहले की बात करूं, सितंबर अक्टूबर में करूं, तो क्लिनिक पे या मेडिकल कॉलेज में जैसे मैं देखता हूं तो वहां पे पेशेंट काफ़ी आ रहे थे, लेकिन अभी लास्ट 10-15 दिन में उनका रेशियो कम होता जा रहा है। और जैसे इसके प्रीवियस ट्रेंड रहते हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और ठंड बढ़ने के कारण से मॉस्किटो इनका जो साइकिल होता है वो कम हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली धीरे धीरे इसका जो केसेस हैं, केस लोड धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के। थैंक यू। डॉक्टर मनीष जैन जी से हम बात कर रहे थे डेंगू को लेकर, सागर में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि डॉक्टर मनीष जैन सर का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, घर पर भी इलाज हो सकता है और बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत होती है तो अस्पताल में आकर के जो लोग हैं वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन, लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन, सागर। हमारा नंबर है 9893406953।